नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर, जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यमुना विकास प्राधिकरण और एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ज्यूरिख ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जेवर एयरपोर्ट का कार्यक्रम भव्य होगा, विशेष होगा और अप्रतिम होगा। दिल्ली NCR ही नहीं, देश भर का यह एक बड़ा कार्यक्रम माना जा सकता है, जिस कार्यक्रम में VVIP भाग लेंगे, देश के PM मोदी भाग लेंगे, CM योगी भाग लेंगे, इसके अलावा जानी मानी हस्तियां भाग लेंगी। वो कार्यक्रम विशेष ही होगा, भव्य होगा। इस कार्यक्रम को कराने के लिए इवेंट कंपनी की तलाश शुरू हो गई है। जेवर एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ने इवेंट कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। कौन बाजी मारेगा इस मामले में, क्या क्या होंगी वहाँ सुविधाएं और किस तरह से कराया जाएगा जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की शिलान्यास की तैयारियां यमुना विकास प्राधिकरण और ज्यूरिख कंपनी ने शुरू कर दी हैं। ज्यूरिख की सहयोगी कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। जो कंपनी एयरपोर्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम कराएगी, उस कंपनी की तलाश यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शुरू कर दी है। ग्लोबल टेंडर जारी हो चुका है, अब देखते हैं कौन कंपनी कराएगी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भव्य और विशेष होगा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा होगा जेवर एयरपोर्ट। 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष इस पर यात्रा कर सकेंगे। 2050 तक 7 करोड़ यात्रियों का लक्ष्य रखा है एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ने। इसका डिजाइन भी विशेष होगा, डिजाइन लंदन मास्को के विश्व प्रसिद्ध एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। क्षेत्रफल में भी यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की कोई तिथि तो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन जुलाई में शेड्यूल का प्लान बना रही है ज्यूरिख कंपनी और यमुना विकास प्राधिकरण। यह एक मेगा इवेंट होगा, इस मेगा इवेंट को कराने वाली कंपनी भी विशेष होगी। ऐसी कंपनी की तलाश की जा रही है जो पिछले 10 साल में 5 बड़े कार्यक्रम करा चुकी हो, जिसमें PM और CM जैसे VVIP कार्यक्रम में शरीक हो चुके हों। जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ संभावना इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रहे फिल्म सिटी का शिलान्यास भी हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को कराने वाली कंपनी की जो तलाश शुरू हुई है, उसमें क्या शर्तें रखी हैं ज्यूरिख कंपनी ने, कैसी कैसी सुविधाएं होंगी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में, आइए आप भी जानें। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम कराने वाली कंपनी के लिए सबसे बड़ी पहली आवश्यक शर्त ये है कि वह कंपनी देश विदेश में 10 साल की अवधि में 5 ऐसे बड़े कार्यक्रम करा चुकी हो, जिसमें CM और PM जैसी राजनीतिक कद के लोग शामिल रहे हों। इसके अलावा जो कार्यक्रम होगा जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर, उस कार्यक्रम का पूरा कंसेप्ट, डिजाइन और उसको एग्जीक्यूट करने के साथ साथ मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी। जुलाई के आसपास कड़ी धूप और उमस रहती है, गर्मी का माहौल रहता है। कार्यक्रम में 25,000 से 30,000 लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसी अवस्था में धूप को रोकने वाले पंडाल होंगे, जिनमें लोगों को गर्मी नहीं सताए। इसके अलावा हेलीपैड CM और PM के लिए कार्यक्रम स्थल के समीप ही कंपनी को हेलीपैड बनाने होंगे। पार्किंग की सुविधा मुहैया करानी होगी, टॉयलेट, वेलकम डेस्क और मेडिकल सुविधाओं सहित सभी इमरजेंसी सुविधाएं उस कंपनी को कार्यक्रम स्थल पर बहाल करनी होंगी। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान जो भी आवश्यक संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, उन सब को रिमूव करने और रिसाइकलिंग करने की जिम्मेवारी भी उसी कंपनी की होगी। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का यह कार्यक्रम काफ़ी महंगा और बेहतरीन क्लास का होगा। इसमें 5-स्टार कैटरिंग स्टाफ और कुक होंगे। एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान प्रयुक्त होने वाला शिलापट यानी फाउंडेशन स्टोन भी विशेष और यूनिक होगा। इसकी विशेष डिजाइन होगी, इन्वेस्टर्स और ब्रांडिंग थीम के अनुरूप होगा जेवर एयरपोर्ट का शिलापट। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को कराने वाली एजेंसी के लिए ये आवश्यक सुविधाएं और शर्तें,
एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ज्यूरिख की सहयोगी कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ग्लोबल टेंडर में रखी हैं। ग्लोबल टेंडर जारी हो चुका है, कंपनी की तलाश शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि देश विदेश की कौन कंपनी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम कराने के लिए मैदान में आती है। जब कंपनी का चयन होगा तो यमुना विकास प्राधिकरण और निर्माता कंपनी ज्यूरिख अपना प्लान एजेंसी के समक्ष रखेंगी। उसके बाद कंपनी द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कराने वाली कंपनी का चयन हो सकेगा। प्रोजेक्ट बड़ा है, कार्यक्रम बड़ा होगा, इसलिए तैयारियां भी बड़ी होनी चाहिए। आप सबसे पहले देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों की न्यूज अपडेट। आगे भी हम आपको लगातार इस संबंध में न्यूज अपडेट दिखाते रहेंगे। दोस्तों, लगातार हम आपको जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, यमुना विकास प्राधिकरण, टप्पल बाजना, अर्बन सेंटर, राया मथुरा हेरिटेज, नए नोएडा से लेकर के हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। एक निवेदन है, चैनल पर जो साथी हमारे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लिंक दोस्तों में शेयर करें और लगातार देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ नमस्कार।